टीकमगढ़ में भाजपा नेत्री और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती खरगापुर पहुंची, जहां सोनी परिवार के परिजनों से मुलाकात कर कहा कि कोई भी सूचना हो तो पुलिस को जरूर बताएं। टीकमगढ़ जिले के नगर खरगापुर में 23 अगस्त को धर्मदास सोनी के परिवार के 5 सदस्यों की लाश फंदे पर झूलती हुई मिली थी। इस मामले में खरगापुर पुलिस ने धर्मदास के परिवार के 9 सदस्यों पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना के बाद 5 दिन तक खरगापुर नगर बंद रहा। इसके बाद आज भाजपा की नेत्री उमा भारती मृतक परिवार के परिजनों से मिली और उन्हें सांत्वना दी। हम आपको बता दें कि यहां से उमा भारती के भतीजा राहुल लोधी विधायक है। उमा भारती ने परिजनों से बातचीत की है और कहा कि आप लोग डरे नहीं, अगर आपको किसी पर कोई शक है या संबंधित घटना की कोई जानकारी है तो पुलिस को जरूर बताएं। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। निर्दोष लगता है उस पर भी नजर जानी चाहिए। इसमें निर्दोष व्यक्ति की भी प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए और दोषी व्यक्ति को छूटना नहीं चाहिए। इसलिए निर्दोष की प्रताड़ना ना हो पावे और दोषी व्यक्ति छूटने ना पावे, इस बारे में आप लोग भी जांच कर रही टीम को पूरा सहयोग करिए बताने में। कुछ भी आपको बताना है तो आप पूरी बात बताइए, क्योंकि अभी जो घटना हुई मुंबई में उसके पीछे कितने बड़े रहस्य निकले हैं। तो इसलिए ये गरीब लोग हैं, यही बात है ना, लेकिन हम हैं ना उनके। आज वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी आत्मा मेरी बात सुन रही होगी कि किसी भी तरह से वो और उनसे सहानुभूति रखने वाले जो लोग हैं वो अपने आप को ये ना समझ लें कि हम कोई बड़े नेता या हम बड़े कोई वो नहीं है। तो इसलिए हमारी मृत्यु ऐसे ही वही खाते में डाल दी जाएगी कि हाँ एक हादसा हुआ था, नहीं, उनकी मृत्यु ऐसे वही खाते में नहीं डाल दी जाएगी। ठीक है, इसकी उतनी चर्चा नहीं होगी, उतना टीवी पर चर्चा नहीं होगा, लेकिन उमा भारती इस बात को लेकर के पूरी कंसर्न रहेगी और पूरी तरह से ये बात बिल्कुल स्पष्ट सामने आनी चाहिए ताकि आगे इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस प्रकार की अन्य घटनाएं ना घटने पावे। दूसरा मुझे आप लोगों से ये कहना है, हमारे साथ जिलाध्यक्ष भी हैं अमित मुन्ना जी, भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं और राहुल यहाँ के विधायक हैं। अभी मंडलों का गठन हुआ लेकिन यहाँ तो पुराने कार्यकर्ता हैं। खरगापुर तो जनसंघ के समय का गढ़ है खरगापुर नगर। मैं आप लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि कोशिश करिए कि लोगों से संवाद होता रहे हमेशा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में सिर्फ राजनीति करना नहीं है। हम लोग तो वो लोग हैं जो सत्ता में रह करके भी सेवा किए हैं और सड़क पर रह करके भी लोगों की सेवा किए हैं, लोगों के दुख में काम आए हैं। इसलिए कभी भी आपको कभी भी ऐसा लगे, क्योंकि वो किसी से चर्चा तो करते ही होंगे धर्मदास की मेरे साथ अन्याय हो गया, कहीं तो कहते होंगे। ब्रजेश आप एक छूट दे दो कि वो उनकी आइडेंटिटी आप नहीं खोलोगे, मतलब जो बताएगा उसकी पहचान नहीं खोली जाएगी। कोई भी सुराग आपके पास में हो उनकी मृत्यु से संबंधित तो आप ब्रजेश कुमार को बता सकते हो अलग से, और इनसे उनका मोबाइल नंबर पूछ सकते हो। तो सबके सामने ये भी नहीं कहना है कि हमें आपसे अलग से बात करनी है, क्योंकि उससे भी कोई शक के दायरे में आ सकता है। आप शांति से उनको अलग से चुपचाप जाकर के मिलो और पूरी बात बताते आओ, ये कभी अपनी आइडेंटिटी नहीं खोलेंगे, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि इस घटना का कारण क्या हो सकता है और ये है क्या ये घटना, और इसने मुझको तो बहुत व्याकुल किया है इस घटना ने, क्योंकि परिवार में सामने ऐसा कोई कष्ट नहीं दिख रहा है तो ऐसा क्या हो गया अचानक कि उनके जीवन का अंत हुआ कैसे। अभी तो मैं यही नहीं कहूंगी कि वो क्या है, वो जीवन का अंत हुआ कैसे है, ये चीज बहुत ही दुखद है और एकदम रहस्य की परतों में लिपटी हुई है। और मैं देख रही हूँ कि सबके चेहरे पर कितना विषाद है। आप सब कितने दिन हो गए घटना को, कितने दिन हो गए अभी, लेकिन अभी भी मैंने अभी जैसे चर्चा भी छेड़ी है आप लोग के सामने, सबके चेहरे पर एक विषाद आ गया है। और मैंने आज यहाँ आने से पहले पुलिस अधीक्षक और जिलाधीश से बात की और मैंने कहा कि जो लोग चले गए उसके अलावा के जो लोग हैं, आना चाहती थी लेकिन बहुत ही व्यक्तिगत कठिनाइयों के कारण नहीं आ पाई थी। मैं एकदम व्याकुल थी कि मैं किसी तरह से पहुंच भर जाऊं वहां पर, भले ही धर्मदास जी और उनके परिवार के सदस्य जो एकदम खास सदस्य हैं वो शेष नहीं है, लेकिन मोहल्ला पड़ोस के लोग हैं, नगर के लोग हैं, सब बहुत दुख मनाए हैं, उनकी दुखद मृत्यु का दुख सबने मनाया है और उस दुख में मैं भी भागीदार हूँ। इसलिए आज यहाँ आई हूँ और मैं ये आश्वस्ति देने के लिए आई हूँ
कि जो कसूरवार यदि कोई इसमें है तो बचेगा नहीं, और जो निर्दोष होंगे उनकी प्रताड़ना नहीं होगी। और मैंने यहाँ सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि आपको कोई भी शंका है तो आप अगर अपनी आइडेंटिटी नहीं खोलना चाहते हैं तो आप शांति से जांच अधिकारी को बता दीजिए अलग से, और आज मत कहिए मेरे सामने। जब मैं चली जाऊँ उसके बाद उनसे व्यक्तिगत संपर्क कर लीजिए, सबको पता है उसके जांच के मुख्य अधिकारी कौन है यहाँ नगर में, सबको पता है। अलग से आपको कोई भी सूत्र देना हो तो उनको दीजिए, ताकि ये जो रहस्यमयी घटना हुई है जिसमें कि एक संपूर्ण परिवार ही इस दुनिया से चला गया, एक 3 पीढ़ी के लोग एक साथ चले गए हैं, उस घटना का जो पर्दाफाश है वो जरूर होना चाहिए। ठीक है कि वो बहुत बड़े धनी व्यक्ति नहीं थे, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ नहीं थे, लेकिन वो समाज के एक सम्माननीय नागरिक थे, और मैं उनके साथ, उनके परिवार के साथ, उनकी आत्मा को न्याय मिले इसके लिए पूरी तरह से उनके साथ। मामला जांच भी बना रहा और पुलिस मामले की जांच भी करती रही, लेकिन इसके बीच में बाजार बंद रहा और तमाम सामान साही की भी बातें निकल के सामने आती नहीं, तो इस मामले को लेकर क्या कहेंगे, क्या कुछ आप आगे ऐसे काम ना हो, दुर्गापुर में शांति बनी रहे, क्या प्रयास? देखिए दुख में लोग बाजार वगैरह बंद करते हैं, जैसे मेरे घर में जब ब्लास्ट हुआ था, बम फटा था, मेरा घर जब गिरा था तो 3 दिन तक पीकमुड़ का बाजार बंद रहा था, तो वो तो संवेदना में जो दुखद घटना हो गई होती है उसमें दुखी होकर के भी लोग कुछ समय के लिए अपना बंद करते हैं। लेकिन हाँ, इस तरह की बातों पर कोई स्टेटमेंट ना हो और कोई राजनीतिक वक्तव्य ना हो, कोई राजनीति ना हो, इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत दुखद घटना है, राजनीति करने के लिए बहुत मुद्दे होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।